चलो मैं हम आगे चलते हैं, एमपी की कुछ और जानकारी लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो गुना जिले में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है, गैस पर आधारित एक कारखाना जिसका नाम है उर्वरक, वो स्थापित किया। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है वो पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जो जिला है वो पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में है। इन्हें मृगन नहीं नाम दिया गया। जो मध्य प्रदेश का जो उद्योग द्वारा संचालित एम्पोरियम, एम्पोरियम जो है वो भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में है और उन्हें मृगन नहीं नाम, मृगन यानी नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर के औद्योगिक श्वास प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तेल संशोधक कारखाना सागर जिले की बिना तहसील के आगासोद में स्थापित किया गया है। प्रदेश का एकमात्र जो बड़ी कारखाना है वो कौन कहाँ है, महू में। महू में बहुत सारी है, बैतूल में बहुत सारी गड़ी घड़ी का कारखाना है। आप वहां से आप घड़ी खरीद सकते हो। बट अब पानी आ गया तो आप छाता कहाँ से खरीदोगे। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग महू में। अब आप चले तो गए छाता खरीदने, पर आपका डीजल ही कार ले गए, डीजल खत्म हो गया, तो आपका डीजल का जो कारखाना है वो आपको इंदौर में मिलेगा। डीजल भी मिल गया, आपको चाहिए हीरे, हीरे चाहिए तो वो आपको जबलपुर में मिलेगा। और मध्य प्रदेश का जो रत्न परिष्कृत केंद्र है वो जबलपुर में। कील और तार बनाने का जो काम है वो विदिशा में, जहां कील बनती है, जहां तार बनता है, वो कारखाना कहाँ है, विदिशा में। जिलेटिन बहाना बनाने का काम जबलपुर में, मतलब जो जिलेटिन बनती है उसका काम कहाँ है, जबलपुर में। और इंसुलेटिन जो बनाने का कारखाना है वो देवास में। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में, इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में। तो आज हम मध्य प्रदेश की कुछ बातें की, मध्य प्रदेश के गुना जिले में, गुना जिले में गैस पर आधारित वो कारखाना स्थापित किया गया है। आप घड़ी का कारखाना कहाँ है, आपको पता ही है कि आपको बैतूल में होगा। छाता उद्योग मऊ में है, तो प्रदेश का एकमात्र डीजल कारखाना इंदौर में, हीरा तराशने का कारखाना जबलपुर में है, कीलम तार बनाने का काम विदिशा में है, जिलेटिन बनाने का काम जबलपुर में है, इंसुलेटिन बनाने का काम देवास में। तो ये सब एमपी की ऐसे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आएंगे ये क्वेश्चन। इसमें से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर 25 का रहता है और 40 का रहता है तो उसमें से 35 क्वेश्चन तो मैं बिठाऊंगा, तो वो 35 क्वेश्चन बैठते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे और भी वीडियो, क्योंकि आपको जहाँ प्रॉफिट हो वही वीडियो देखिए, बेकार वीडियो ना देखिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।